Good morning everyone today we are going to start ninth chapter madam rides the bus from the book first flight this chapter is written by Vali kanan who was a tamil writer and wrote this story in tamil language but k s sundaram who translated this story into english language now in this chapter we are going to read a story about a girl who wants to have a ride in the bus? So let's begin the story. There was a girl named Walli Mai who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. It means this is a very simple story of a girl named Vali. She was 8 years old and she was filled with a lot of curiosity about everything. It means she wanted to know about the things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. It means she spends most of her time standing at the front door of her house and she keeps watching the things happening outside. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do it means she has no friends with whom she can play games so यही सब कुछ था जो उसे करना था इसलिए वो बाहर की चीजें देखती रहती थी और उन्हें जानना चाहती थी बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले इट मीन्स वेन वली स्टूड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड वॉश द हैपनिंग इन द स्ट्रीट दिस गेव हर अ लॉट ऑफ फन कि ये उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो बाहर खड़े होकर स्ट्रीट में देखती थी जिस तरह से दूसरे बच्चे क्या करते हैं दे इन्जॉय द गेम यह उसके लिए उतना ही इन्जॉयफुल था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए गेम इंजॉय करना वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसिस और यह उसे नए नए एक्सपीरियंस देता था बाहर स्ट्रीट में देखना द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन नाउ हेयर इज द क्वेश्चन वट वॉज मोस्ट फेसिनेटिंग थिंग फॉर वली द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली वॉज द बस जो ट्रेवल करती थी उनके विलेज और नियरस्ट टाउन के बीच में इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर व्स गोइंग टू टाउन एंड वांस कमिंग बैक इट मीन्स द बस पासिज थ्रू वली स्ट्रीट आफ्टर एवरी यार आते हुए और जाते हुए द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएडिंग जॉय फॉर वली इट मीन्स इट वॉज अ ग्रेट जॉय फॉर वली वली को बहुत अच्छा लगता था टू वॉच न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम वेन द बस पास्ड थ्रू द स्ट्रीट इट मीन्स कि वली के लिए सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी कि जब वो बस विलेज और टाउन के बीच में ट्रैवल करती थी और एवरी आर ट्रैवल करती थी आते हुए और जाते हुए और इस सीन को देखना वली को बहुत अच्छा लगता था वो उसे देखकर बहुत खुश होती थी एंड दिस वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली टू वॉच न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम

वट वॉज हर विश टू हैव अ राइड ऑन दैट बस कि उस बस में राइड करना शी वॉन्ट्स टू हैव अ राइड इन द बस इवन जस्ट वांस ओनली एंड इट हैज बिकम हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर टू हैव अ राइड इन द बस उसकी क्या बन गई एक स्ट्रोंग डिज़ायर बन गई वल्लीवुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गो ट ऑन और ऑफ़ द बस वेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर इट मीन्स वली उन लोगों को बड़े ध्यान से देखती थी विस्ट होता है किसी चीज़ को पाने की इच्छा किस इच्छा से उनको देखती थी जब वो बस में से उतरते थे या फिर चढ़ते थे जब भी बस किसी स्ट्रीट कॉर्नर पर रुकती थी देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स और उनके फेसेस उसकी इनकी इच्छाओं से उनके ड्रीम्स से एंड उनके होप्स में किंडल होता है शाइन करना टू मेक समथिंग स्टार्ट टू ग्रो इन समबडी कि उन लोगों के फेस उनकी इच्छाओं सपनों और आशाओं में चमकते रहते थे इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड कि जब भी कोई उसके फ्रेंड बस की राइड करके आता और टाउन में जो उन उसने साइड्स देखे थे उनको उसके सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश करता तो वली थोड़ा सुनकर जेलस फील करती थी और गुस्से से चिल्ला पड़ती थी प्राउड प्राउड इन इंग्लिश में नाइदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल कि ना ही तो उसके फ्रेंड्स और ना ही वाले इस बात को जानते थे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है बट इस वर्ड को एज अ स्लैंग होता है इनफॉर्मल वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता था जब किसी बात का डिसप्रूवल बताना होता था एक्सप्रेस करना था डिसप्रूवल इट मीन्स नॉट लाइकड समथिंग नॉट लाइकड तो इस वर्ड को यूज़ किया जाता था नाउ वली हु हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर टू राइड इन द बस शी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी अब वली बस जर्नी के लिए डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करती है ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस एंड शी ऑल्सो आस्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर इट मीन्स बहुत दिनों तक वली ने क्या किया अपने नेबर्स और पीपल जो लोग उस बस में रेगुलरली उस बस को यूज़ करते थे उनकी कन्वर्सेशन को बड़े ध्यान से सुना एंड समटाइम्स शी आस्कड दैम समल क्वेश्चन डिस्क्रीट क्वेश्चन होते हैं टेक्टफुली केयरफुली क्वेश्चन पूछना Sometimes she asked them some casual questions so that they could not understand she was inquiring about the bus journey. This way she picked up various small details about the bus journey. Or this way she gathered small information or small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way which is almost nothing at all. शी हार्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से अब देखो वट डिटेल्स डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी बस जर्नी के बारे में वली ने कौन कौन सी डिटेल्स फाइंड आउट की कि टाउन वॉज सिक्स माइल्स फ्रॉम हर विलेज फेयर कितना है द फेयर वॉज थर्टी पैसे फॉर वन वे विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल जो कुछ भी नहीं है शी हार्ड वन वेलड्रेस मैन से कि उसने किसी वेलड्रेस मैन को ऐसा कहते हुए सुना कि ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है बट टू वर्ली परंतु वर्ली के लिए हुयर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट लेकिन वर्ली के लिए जिसने कि कभी एक मंथ से दूसरे मंथ तक इतने पैसे जो कभी मुश्किल से ही देख पाती थी इट सीम्ड अ फॉर्चून फॉर्चून यहाँ मीनिंग है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कि उसके लिए तो थर्टी पैसे भी क्या थे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी द ट्रिप टू द टाउन टुक फोर्टी फाइव मिनट्स इट मीन्स द बस टुक फोर्टी फाइव मिनट्स टू रीच द टाउन ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर थर्टी पैसे शी कुन होम ऑन द सेम बस यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहती है टाउन पहुँचने पर और दोबारा थर्टी पैसे पे, पे कर देती है और उसी सेम बस में वो वापस लौट कर आ सकती थी और इस तरह से उसका आने और जाने के टोटल सिक्सटी पैसे सिक्सटी पैसे ही शी हैड टू पे दिस मीट दैट शी टेक द वन ओ क्लोक आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट वन फोटी फाइव एंड बी बैक होम बाय अबाउ टू फोर्टी इट मीन्स शी डिसड टू टेक द वन ओ क्लॉक बस इन द आफ्टरनून और वापस होम घर पर वापस कैसे कब आ जाएगी टू फोर्टी फाइव मिनट्स पर इट मीन्स फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव मिनट उसके आने जाने के टोटल हो गए डेढ़ घंटा एंड फिफ्टीन मिनट्स जो है वो बस का स्टॉपेज है टाउन के लिए इट मीन्स हेयर शी वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल टू द टाउन बाई बस एंड देन कम बैक बाय द सेम बस On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. It means she keeps making her plans for many days. कि कई दिनों तक वो इसी तरह से अपनी बस जर्नी की प्लानिंग करती रही That's enough for today. Thank you so much.